प्रयास किया, जिन एजेंसियों ने काम किया उनको धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़े चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद EIA के साथ साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है उसके तहत जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है उस पर ध्यान सरकार देगी, और समय समय पर वहाँ के जो एनजीओज या जो पर्यावरण के प्रति लगाव रखते हैं उन्होंने जो जानकारी, सूचना और समय समय पर सरकार को जगाया है उनकी बातों पे भी सरकार ख्याल रखेगी।